बैठिएगा भैया, नाम क्या आपका? आयुष कौशिक जी हैं, नमस्कार करो जरा। अब बताओ मुझे एक बात, अभी बुलाएंगे, आयुष जी से नहीं पूछ रहा मैं, आपसे पूछ रहा हूं। आयुष जी जरा इधर देखिए। अब मान लो अगर हमें आयुष जी की जेब काटनी हो, मान लो हमने सोचा कि भैया आयुष जी की जेब काटो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, सबसे पहले भैया आयुष जी उधर देखो जरा, हाँ वो देखो भैया, ये देखो इधर देखो जरा भैया, वो ऊपर देखो फ्लाईओवर की ओर देखो जरा, ये पहले ये करना पड़ेगा, पहले इसका ध्यान भटकाना पड़ेगा, सही। ये काम आपके लिए नरेंद्र मोदी जी करते हैं। भाई और बहनों वो उधर देखो, भाई और बहनों इधर देखो, भाई और बहनों ऊपर देखो, भाई और बहनों नीचे देखो। अब उसके बाद क्या चाहिए आपको? उसके बाद कौशिक जी जरा घूमिए जरा, उसके बाद जब उसका ध्यान चला जाएगा पीछे से कोई आएगा, है ना, किसी को आना पड़ेगा। वो कौन है भैया? वो अदानी है, वो अंबानी है, ठीक है। अब मान लो ध्यान भटका दिया और पीछे से जेब काट दी, तो तीसरी किस चीज की जरूरत है? हाँ भैया, मुझे ये डंडा लाठी देना जरा, ये झंडा उतारो इससे, नहीं इससे काम चलेगा, छोटा नहीं चाहिए बड़ा चाहिए ये। और ये तो पहला जो ध्यान भटकाता है नरेंद्र मोदी जी, दूसरा जो जेब काटा है काटता है अदानी जी, और तीसरा जो डंडा लिए घूमता है अमित शाह। कही भैया तुम लोगों ने कुछ किया? जब ईडी आई, सीबीआई आए, इनकम टैक्स आई, पुलिस वाले आए, तो कुछ किया, तो फिर देखो कैसा डंडा लगता है। आयुष जी धन्यवाद आपका, अभी करते फोटो ले लो, आ जाओ, ये भैया सेल्फी का जमाना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहां बैठ जाओ। धन्यवाद। तो ये हुआ बीजेपी का सिस्टम। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश में पिछड़ों की कितनी आबादी है? 50% पिछड़े हैं। इस देश में माइनॉरिटी की कितनी आबादी है? 15% माइनॉरिटी है। इस देश में दलित कितने? दलित भाई 8% नहीं 15%, और आदिवासी कितने? 8%। जोड़ के बताओ मुझे, 50 और 15 कितना हुआ? 65। 65 और 15 80। 80 और 8 88। भाई और बहनों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो 90% जनता है इस देश में, दलित आदिवासी पिछड़े माइनॉरिटी, इनको इस देश में कितनी भागीदारी मिल रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, 200 कंपनियां सबसे बड़ी वाली, उसमें 90% का एक मालिक मुझे दिखा दो। आपको एक मालिक 90% का नहीं मिलेगा। उसके बाद आप मैनेजमेंट टीम में की लिस्ट निकालो, उसमें आपको 90% का एक नहीं मिलेगा। फिर आप कहो ठीक है 90% हिंदुस्तान की कंपनी का मालिक नहीं बनने चाहते, मैं नहीं कहता, मगर आपने मान लियो कह दिया, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा भैया ठीक है 90% के मीडिया में कितने? मीडिया में कितने? एक नहीं है। आप मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो, आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा। फिर बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालो, 90% में से आपको एक नहीं मिलेगा। फिर आप मुझसे कहोगे नहीं राहुल जी 90% को ना मीडिया में भागीदारी चाहिए, ना हमें बड़ी कंपनियों में भागीदारी चाहिए। फिर मैं आपसे पूछूंगा ठीक है भैया बताओ
प्राइवेट अस्पतालों में आपके कितने लोग? एक भी नहीं। फिर पूछूंगा भैया ठीक है प्राइवेट अस्पतालों में भागीदारी नहीं चाहिए तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में तुम्हारे कितने लोग? एक भी नहीं। अरे भाई तुम लोग हो कहां? तुम हो कहां? मैं बताता हूं तुम्हें, मनरेगा की लिस्ट निकालो उसमें आप सब लोगों के नाम दिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो उसमें आपके सब नाम दिखेंगे, मगर हिंदुस्तान के बड़ी बड़ी कंपनियों में, हाई कोर्ट में, मीडिया में आपके नाम नहीं मिलने वाले। ये सब का हिंदुस्तान कैसे है अगर इसमें 90% लोगों को कोई भागीदारी नहीं मिल रही? हमने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, मैं आपको रास्ता भी बता देता हूं, अगर 90% को भागीदारी चाहिए तो पहला कदम, जैसे जब हार्ट टूटता है पहला कदम क्या कराते हो आप? एक्सरे कराते हो ना, तो वैसे ही पहला कदम जाति जनगणना है। इससे क्या होगा, 90% को पता लग जाएगा कि आप कौन हो, कितने हो, और सबसे ज्यादा जरूरी आपके हाथों में हिंदुस्तान का कितना धन है।